बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के साथ अपने दर्शकों के बीच में आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिलीज से ठीक पहले सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मूवी जवान ट्रेंड करने लगा है। क्या है इसकी वजह, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले शाहरुख अपनी बेटी सुहाना और फिल्म की अभिनेत्री नयनतारा के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल की। इससे पहले वो माता वैष्णो देवी भी पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने दर्शन किए थे। तो लोगों का कहना है कि ये सब अपनी फिल्म के प्रचार और फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए शाहरुख कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड शुरू कर दिया जिसका नाम था बॉयकॉट मूवी जवान। अब इसको लेकर ट्रोलर्स जहां उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं उनके फैंस हैं जो उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। कई मीम्स भी इसको लेकर नजर आ रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ इस फिल्म को बॉयकॉट इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में ये फिल्म जो रिलीज होने वाली है वो है एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बैनर तले, जो कि इन दिनों अपने सनातन धर्म वाले बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस वजह से भी अब इस फिल्म को बॉयकॉट करने की लोगों से गुजारिश की जा रही है सोशल मीडिया पर। अब क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी इस बॉयकॉट के बाद या नहीं चल पाएगी, वो तो आने वाले समय पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग, आपको बता दें हम कुछ दिनों से रिपोर्ट दिखा ही रहे हैं, वो नए नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है। अगर हम ओवरसीज की बात करें तो फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुकी है एडवांस बुकिंग का। वहीं देश भर की बात करें तो देश भर में भी बुधवार सुबह तक 3 लाख जो एडवांस बुकिंग जो है वो की जा चुकी है। और अगर हम ट्रेड पंडितों की बात करें तो ये फिल्म पहले ही दिन 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करेगी। 50 करोड़ का तो ये आंकड़ा पार कर ही चुकी है एडवांस बुकिंग के नाम पर पहले दिन का। वही जानकार ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है ये फिल्म 70 करोड़ के साथ साथ 100 करोड़ का कलेक्शन भी पहले ही दिन, अगर हम ओवरसीज और प्लस देश भर की बात करें तो ये फिल्म जो है वो कलेक्शन कर सकती है। तो ये बड़ी बात है कि पहले ही दिन ये फिल्म 100 करोड़ का अगर आंकड़ा छूती है। बात करें शाहरुख की फिल्म पठान की, जो इस साल के शुरुआत में रिलीज हुई थी, उसी को भी इस बॉयकॉट से गुजरना पड़ा था। फिल्म का काफी विरोध हुआ था, सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट पठान भी खूब ट्रेंड किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसका इस फिल्म को फायदा मिला था। करीब 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म पठान ने 1000 करोड़ का कारोबार किया था। तो इस ट्रेंड का फायदा शाहरुख खान की जवान को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है पहले ही दिन तो ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड होगा। तो देखना होगा कि ये बॉयकॉट इस फिल्म के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया।